कंटिन्यू चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहा है। टेम्पलेट निकालो सभी। स्टैंडर्ड 12 एंड चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे आज। टेम्पलेट किस किस के पास है? एक ही टेम्पलेट है। चलो टेम्पलेट निकालो। हमने एक टॉपिक पढ़ लिया चैप्टर में, कौन सा? इलेक्ट्रो केमिकल सेल पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिक पॉइंट्स याद करो, क्या था बेसिक पॉइंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए याद करो। अब डिस्टर्बेंस आवाज़ मत करना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए दो हाफ सेल लेते थे, याद है ना? दो हाफ सेल लिए थे हमने, और हाफ सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग होता था, एक सेल में नहीं। तो यहाँ पर हम जनरली क्या लिखते थे, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना? और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, एनोड था। कुछ बेसिक चीज़ें याद करनी है तुम्हें अभी। चलो यहाँ पर एनोड कौन से चार्ज पर था? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज था। मतलब एनोड नेगेटिव चार्ज में आएगा एंड कैथोड पॉजिटिव चार्ज में था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बेसिक से पॉइंट ये थे। साथ में हम सॉल्ट ब्रिज भी लगाते थे। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तुम्हें ना। एनोड नेगेटिव चार्ज, कैथोड पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए रिएक्शन कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। और दूसरा डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी इसके लिए? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे थे, देन डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? नेगेटिव होगी। और डिटेल में कंप्लीट कर लिया हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमने पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया। इसके इलस्ट्रेशन एग्जांपल जो भी थे वो सारे सॉल्व कर लिए हमने। चलो आज सेकंड पार्ट देख रहे हैं चैप्टर का। सेकंड पार्ट कौन है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, और दूसरा कौन सा सेल था? इलेक्ट्रो लाइटिक सेल पढ़ना है हमें। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? तो यहाँ पर हमें एक ही सेल, आवाज़ मत करना यार, अब एक ही सेल लेंगे यहाँ पर, ओके? हाफ सेल नहीं लेने, एक ही सेल लेना है। एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स को डीप कर देंगे तो, और बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसे। चलो बैटरी का ये मान लो पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम फिलअप करने वाले हैं वो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन को फिलअप करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। अरे यार चुप रहे ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन फिलअप करना है हमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके? पॉइंट समझना क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर। दूसरा बैटरी का ये पॉजिटिव पोल है, बैटरी सेल का ये पॉजिटिव पोल और सेल का ये नेगेटिव पोल है, कहाँ पर ध्यान है? अब मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड पर कौन सा रिएक्शन होगा वो? तो यहाँ पर एनोड नेगेटिव चार्ज था ना, तो ये एनोड ही है लेकिन कौन सा चार्ज होगा इसमें? पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर कैथोड कौन से चार्ज में होगा? तो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। यहाँ पर एनोड नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव चार्ज होना है। एनोड पर हमें पता है क्या होना है, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, फिक्स ही है वो तो। एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पर रिडक्शन ही होता है। दूसरा एनोड किसे बोलते थे हम? जो एनायन को अट्रैक्ट करे। कैथोड किसे बोलते थे? जो कैटायन को अट्रैक्ट करे।
याद आ रहे हैं ना बेसिक से स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस, यहाँ पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिएक्शन कैसे होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। डिफरेंस समझ रहे हैं हम दोनों के बीच में। एंड देन डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए क्या होनी है? पॉजिटिव होगी डेल्टा जी की वैल्यू, पॉजिटिव। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे थे, इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करना हमें। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एज एग्जांपल मान लो, यही सेल के अंदर मैं मोल्टेन NaCl ले लेता हूँ, नमक ले लेते हैं, पिघाल देते हैं उसे, ओके, मोल्टेन NaCl फिलअप कर देते हैं एज एग्जांपल। NaCl में N पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव चार्ज है, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब समझना यहाँ पर Na प्लस कहाँ पर लिबरेट होगा, कहाँ पर ट्रैवल करेगा Na प्लस? अगर हम इसमें करंट जैसे ही पास करेंगे, मोल्टेन NaCl लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जैसे ही उसमें करंट पास करेंगे, तो करंट पास करेंगे तो क्या होगा? लाइसिस होगा इसका। जब लाइसिस होगा मतलब कैटायन एनायन अलग होंगे। जब कैटायन किसकी तरफ ट्रैवल करेगा? नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करेगा ना कैटायन। तो मान लो यहाँ पर Na प्लस किसकी तरफ जाएगा? Na प्लस यहाँ से सॉल्यूशन से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जहाँ पर ट्रैवल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। कैटायन जिसकी तरफ ट्रैवल करेगा वो कैथोड ही होगा। दूसरा याद रखना, यहाँ पर मेटल जो होती है ना वो कहाँ पर लिबरेट होगी? कैथोड पर ही लिबरेट होगी, मेटल कैथोड पर ही लिबरेट होनी है। अब दूसरा कौन है सॉल्यूशन में? Cl- है ना, तो नेगेटिव चार्ज है Cl- पर, तो वो कहाँ ट्रैवल करना है Cl- को? पॉजिटिव की तरफ। तो वो कहाँ लिबरेट होगी? तो नेगेटिव जहाँ पर लिबरेट होती है वही क्या होता है अपना? एनोड होगा। तो ये एनोड है, पोज कर दे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पर फोकस करना। एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर देखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इससे उल्टा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो यहाँ पर Cl- कहाँ पर डिपॉजिटेड हो रहा है? एनोड पर ना। तो रिएक्शन लिखेंगे, देखो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में Na+ क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सोडियम में। तो सोडियम डिपॉजिटेड हो रही है कैथोड पर, हो रही है ना। एंड नेक्स्ट Cl- क्या करेगा बोलो? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो Cl2 में। 1/2 लिख लेता हूँ वैलेंस के लिए। तो Cl2 कहाँ पर लिबरेट हो रहा है? एनोड के ऊपर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जैसे ही करंट पास करेंगे हम, उसका सॉल्यूशन का क्या होना है? लाइसिस होना है, और कैटायन और एनायन डिपॉजिटेड होंगे। कैटायन कैथोड पर डिपॉजिटेड हो रहा है, एनायन एनोड पर डिपॉजिटेड हो रहा है, साथ में हमें रेडॉक्स रिएक्शन लिखना है। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। चलो बस। अरे यार क्या कर रहा है तू, कितनी बार बोलूँ तुझे, बंद कर आवाज़। तुझे बोल रहा हूँ नाम लू क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे एक, और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है हमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ नीट JEE वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स है MCQ समझना। बस यहाँ पर फोकस करो, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे वो? क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे ही कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो
कैथोड पर और एनोड पर कौन सी प्रोडक्ट है ना डिपॉजिटेड हो रही है, वो क्लियर कट आना चाहिए हमें। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट्स कौन सी फॉर्म होगी कैथोड पर एंड एनोड पर, वो वाला क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है ये टॉपिक के अंदर ही हमें आगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये पढ़ेंगे कि अगर मान लो मैं करंट पास कर रहा हूँ, x जितना करंट पास कर रहा हूँ, x टाइम तक करंट पास कर रहा हूँ, y टाइम तक करंट पास कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, x करंट पास कर रहा है y टाइम तक, तो कैथोड पर जो प्रोडक्ट डिपॉजिटेड हो रही है उसका वेट कितना होगा, एनोड पर जो लिबरेट हो रहा है वो कितना होगा उसका वेट। तो क्वांटिटेटिव में क्या कैलकुलेट करेंगे हम उसकी क्वांटिटी, और उसके लिए हमारे पास दो लॉज है, फैराडेज फर्स्ट एंड फैराडेज सेकंड लॉ। तो यहाँ पर सीधा हम फैराडेज लॉ से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में इस तरह दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से कौन कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो लिखो फॉर डिफरेंट। तो अब समझो पहला क्वेश्चन, अब कौन सा मान लो मोल्टेन सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, हर बार मोल्टेन नहीं लेना हमें। तो कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, बाद में लिखना कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट्स कौन सी बनेगी, समझना पॉइंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट लिखना है हमें एमसीक्यू, अगर मान लो नीट जी कैसे है वो तो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन प्रोडक्ट कौन सी बनेगी वो किस पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो हमने कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ किए ये, अब इलेक्ट्रोड हमारे पास इनर्ट हो सकते हैं या एक्टिव मेटल के हो सकते हैं, समझना ओके। इनर्ट इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम क्या आएगा, इनर्ट में लेंगे हम, और दूसरा एक्टिव मेटल के भी इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स उसका नेचर पढ़ने वाले हम यहाँ पर, इलेक्ट्रोड्स कौन से टाइप के हो, तो प्रोडक्ट किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करेगी अंदर, सेकंड नंबर जो सॉल्यूशन हमने फिलअप किया है ना अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है वो मोल्टेन है डाइल्यूट है एक्वियस है। तो दूसरा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो देखो ना, कौन से फैक्टर्स है दूसरे, मेजर तो दो फैक्टर्स है ही, कौन से इलेक्ट्रोड्स है वो, ओके, तो इलेक्ट्रोड्स इनर्ट भी हो सकते हैं या तो एक्टिव भी हो सकते हैं। दूसरा कौन सा सॉल्यूशन हमने फिलअप किया है वो, ओके, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा और कौन इजीली रिड्यूस होता है, मतलब उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, तो वही लिखा हुआ है ना, थर्ड फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। तो कौन किसका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है ये, समझना पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो झगड़ा हो रहा है तो तू क्यों कर जाएगा, तो तू झगड़ा करने जाएगा या छुड़वाने जाएगा उनको, पुलिस वाला है तो देखने में मजा आता है तुझे झगड़ा। तो आसपास में ना हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं तो देखती है तू, बाहर आ जाती है तू घर से। चलो चार नंबर किस पर डिपेंड करेगा, करंट, कितना करंट पास कर रहा है वोल्टेज, उस पर भी डिपेंड कर रहा है ये। तो प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट कैथोड पर और एनोड पर कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने क्या फिलअप किया वो, एंड देन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर कैसा है अंदर जो सॉल्यूशन है ना उसका, कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दिमाग में एक चीज़ याद रखना, चलो यहाँ पर किसका रिडक्शन ईजी होगा, जिसकी एस आर पी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका ईजिली रिडक्शन होना है। कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पर या एनोड पर,
तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होना है। किसका रिडक्शन इजी होगा समझना, जिसके एसआरपी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और किसका ऑक्सीडेशन इजी होगा, जिसके एसआरपी वैल्यू कम होगी। तो जिसके एसआरपी वैल्यू ज़्यादा वो इजीली रिड्यूस होना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। जैसे ही प्रोडक्ट मैं बताऊँगा तुम्हें यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, तो वहाँ पर एसआरपी की वैल्यू काम लगनी है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोडक्ट्स। सबसे पहले एक नंबर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। चलो अगर मैं मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ, अब आंसर कैसे निकाल लेना वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें शॉर्ट में। मोल्टेन NaCl में ओनली NaCl है, पानी नहीं है, ओके। तो मोल्टेन NaCl ले रहे हैं, तो कैथोड पर कौन डिपॉजिटेड हो रहा है, एनोड पर कौन डिपॉजिटेड होगा, आंसर कैसे लिखेंगे वो समझना। सिर्फ समझाने के लिए अभी तो ये है, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी में नेगेटिव पोल होगा। सॉल्यूशन क्या लिया है तुमने, यहाँ पर ओनली NaCl है ना, मतलब Na पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव चार्ज है, पानी तो है ही नहीं, मोल्टेन फॉर्म में है। तो अब फोकस करना है यहाँ पर, Na प्लस कहाँ पर लिबरेट हो रहा है, कैथोड पर, और Cl माइनस कहाँ लिबरेट होगा, एनोड पर। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर, कैथोड पर कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, सोडियम, और एनोड पर कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, Cl2, नॉट Cl माइनस, Cl2 प्रोडक्ट फॉर्म होगी वहाँ पर। अब उसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिखा। तो मान लो यहाँ पर कैथोड पर, तो रिडक्शन क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा ना, तो कैथोड पर क्या बनना है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट होगा, जबकि एनोड पर क्या होगा, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट होगा, क्लियर ना। तो कैथोड पर क्या डिपॉजिटेड हो रहा है, सोडियम, एनोड पर क्या डिपॉजिटेड हो रहा है, Cl2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं रिडक्शन और यहां पर ऑक्सीडेशन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब सेकंड ले लेते हैं, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम सेकंड नंबर में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वियस सॉल्यूशन ले लेते हैं स्टूडेंट, समझना NaCl का। यहाँ पर मेजर पॉइंट वही है हमारे लिए, कैथोड पर क्या डिपॉजिटेड हो रहा है, एनोड पर क्या डिपॉजिटेड हो रहा है, नीट और JEE में MCQ डायरेक्ट होगा ये। तो चलो एज एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो ये सिर्फ समझाने के लिए, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ये। अब सॉल्यूशन में सोचो कौन कौन है, सॉल्यूशन में कौन है, एक्वियस सॉल्यूशन NaCl है ना, मतलब सॉल्यूशन में तीन चीज़ें, एक तो NaCl और एक और चीज़ है अंदर, बोलो सॉल्यूशन में वाटर भी है ना, तो सॉल्यूशन में H2O भी है। अब कैथोड पर कौन कौन जा सकता है वो समझना, कैथोड पर कौन जाएगा वो, और एनोड पर कौन जाएगा वो समझना है हमें यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर दो स्पीसीज जो है ना कैटायन, वो कॉम्पीट करने वाली है रिडक्शन करने के लिए, और जो दो नेगेटिव आयन है ना वो भी कॉम्पीट करेगी एनोड पर जाने के लिए। तो यहाँ पर यही देखना है कॉम्पीट किसके बीच में हो रहा है, तो जिस में कॉम्पीट हो रहा है उसमें से कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा और कौन इजीली रिड्यूस होगा वो आइडेंटिफाई कर लो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। चलो एज एग्जांपल कैथोड के लिए कौन कौन जाएगा बोलो। अब पानी के अंदर तुम इस तरह सोच सकते हो ना, वाटर के लिए तो H2O, अगर पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो क्या बनेगा, H+N OH- सॉल्यूशन में Na+NCl- तो है ही। तो देखो चार लोग हैं टोटल सॉल्यूशन में, तो कैथोड पर जाने के लिए कौन फाइट करेगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर फाइट करने के लिए H+N Na+ दोनों है। पॉइंट समझना क्या है यहाँ पर, तो कैथोड पर कौन जाएगा, Na+ डिपॉजिटेड होगा या H+ डिपॉजिटेड होगा,
तो कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा वो क्या होगा, कैथोड पर डिपोजिटेड होगा। पॉइंट समझ रहे हो? अब H प्लस या Na प्लस कैथोड पर कौन डिपोजिटेड होगा दोनों में से, सॉल्यूशन में से? दोनों यहाँ पर जाने की ट्राई कर रहे हैं ना, लेकिन कौन डिपोजिटेड होगा? दोनों में से एक ही डिपोजिटेड हो सकता है जो इजीली रिड्यूस हो जाए। तो कौन इजीली रिड्यूस होगा, H प्लस या Na प्लस? तो जिसकी SRP वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, इजीली क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा कैथोड पर। तो H प्लस N, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन हम ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। तो कैथोड के लिए कौन फाइट कर रहा है, कैथोड के लिए कौन फाइट कर रहा है, H प्लस N, Na प्लस, कैथोड के लिए दो फाइट कर रहे हैं ना, कॉम्पीट। तो दोनों में से किसकी SRP वैल्यू ज़्यादा है, H प्लस की SRP वैल्यू मोर है, तो ये क्या होगा, रिड्यूस करेगा। तो मतलब कैथोड पर क्या डिपोजिटेड होगा, H प्लस। अब H प्लस का रिडक्शन करो, मतलब H2O का जब रिडक्शन होता है, H2O का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। H प्लस का रिडक्शन मतलब समझो, H2O का जब रिडक्शन होगा तो क्या बनना है, H प्लस बनेगा, अरे सॉरी H2 बनेगा। क्यों? क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, प्लस वन चार्ज है, H2 में कितना चार्ज है, जीरो, तो हुआ रिडक्शन, प्लस वन से जीरो। ये पॉइंट समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज के लिए दो कैटाइन फाइट कॉम्पीट कर रहे हैं। अब H प्लस डिपोजिटेड हो रहा है या Na प्लस, तो किसका इजीली रिडक्शन होगा, जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा है। तो हमने बोल दिया H प्लस की SRP वैल्यू ज़्यादा है, जो टेबल है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहाँ से। तो इसकी SRP वैल्यू ज़्यादा, ये रिड्यूस होगा। तो H2O का अगर रिडक्शन हो रहा है, मतलब H2O में H+ तो है ही ना, प्लस वन, तो इसका रिडक्शन होगा तो क्या डिपोजिटेड होगा, H2 डिपोजिटेड होगा। पॉइंट दिमाग में फिट कर लेना, H+ या H2O का रिडक्शन होने से क्या बनता है, H2 बनेगा, समझ रहे हो? और कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने। तो बोलो कैथोड पर कौन सी प्रोडक्ट बनेगी अब, H2। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कैथोड पर कौन सी प्रोडक्ट होगी, तो H प्लस का रिडक्शन होने से क्या बनता है, डायरेक्ट दिमाग में फिट कर लेना, H2, मतलब ये जीत गया फाइटिंग में, कॉम्पीट कर रहा है। चलो अब एनोड पर चले जाओ, कौन है, तो एनोड पर कौन कौन जाएगा अब, OH- N, Cl- ना, मतलब Cl- एंड OH-, ये दोनों कॉम्पीट करेंगे। अब ये दोनों किसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, एनोड पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसके SRP वैल्यू कम। अब समझना यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें ना हम, तो इसका कौन सा नंबर है और इसका कौन सा नंबर है, तो OH- का 22 नंबर है और ये कौन से नंबर पर है, 21। तुम पैम्पलेट में देखो, क्लियर दिया हुआ है पैम्पलेट में, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन तो किसका होना चाहिए था, OH-, ये 21 नंबर पर है और ये 22 नंबर पर है, ये 22 और ये 21, तो किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, इसका ना, SRP वैल्यू में। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन समझना यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, Cl- का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, अगर एक्वियस सॉल्यूशन है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन Cl-, तो ईजिली किसका ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, Cl- का ऑक्सीडेशन होगा। दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पर, Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, और जब Cl- का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, Cl2 बनेगी। कौन सी प्रोडक्ट, Cl2। तो एनोड पर कौन डिपोजिटेड होगा, Cl2, कैथोड पर कौन डिपोजिटेड होगा, H2। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अगर मॉल्टेन NaCl है तो वहाँ तो वाटर है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट में, तो सिंपल सा है, एक कैटायन है और एक ही एनायन है, तो कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ। लेकिन जैसे ही हमने एक्वियस सॉल्यूशन लिया, तो एक्वियस सॉल्यूशन में तो क्या है, वाटर भी है, Na+ भी है, Cl- भी है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होने से H+ OH- बनेंगे। अब यहाँ पर दो कैटायन हो गए, कौन कौन से दो कैटायन हो गए, एक Na+ एंड H+, तो ये दोनों कॉम्पीट करेंगे, कौन, H+ एंड Na+, कैथोड पर जाने के लिए, मतलब रिडक्शन होने के लिए। तो कौन इजीली रिड्यूस होगा, जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा, तो H+ की SRP वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है, तो इसकी SRP वैल्यू ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, ये इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। और H+ का रिडक्शन होने से क्या बनता है, वाटर का रिडक्शन होने से क्या बनेगा, H2 बनेगा। और H2 कहाँ डिपोजिटेड हो रही है, कैथोड पर। तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिली, कैथोड पर H2 मिलेगी। चलो अब एनोड पर कौन जाएंगे, तो दो नेगेटिव आयन है ना अपने पास, एन आयन, Cl- एंड OH-, तो ये दोनों कॉम्पीट कर रहा है किसके लिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए, मतलब एनोड पर जाने के लिए।
तो दोनों में से कॉम्पीट कौन जीतेगा? जिसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन इजी होगा? जिसके SRP वैल्यू कम होगी। लेकिन ये दोनों की SRP वैल्यू बहुत पास में, समझना। तो Cl- क्या कर लेता है? अपना ऑक्सीडेशन कर लेता है, और Cl2 फॉर्म होगी कहाँ पर? एनोड पर। ये डिपेंड कर रहा है कि पानी कितना ले रहे हैं, डाइल्यूशन कितना है, उस पर डिपेंड करेगी हर बार ये प्रोडक्ट, समझ रहे? डाइल्यूशन पर डिपेंड करेगी ये चीज़। तो क्वेश्चन समझना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक्वियस सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है NaCl का या कम है, तो डाइल्यूशन पर डिपेंड करेगा कौन सी प्रोडक्ट। तो अगर मान लो मैं कॉन्सेंट्रेटेड ले रहा हूँ, मतलब डाइल्यूशन कम है, तो Cl- ईजी होगा। लेकिन ज़्यादा डाइल्यूशन ले रहा हूँ मैं, पानी ज़्यादा अमाउंट में, तब OH- का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये पूछ करना। चलो उसके बाद नेक्स्ट आगे नंबर देख लेते हम। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्ड नंबर किसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड। समझना ये पॉइंट भी, हम इलेक्ट्रोड भी इनर्ट होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है आगे, समझेंगे हम। एक्वियस सॉल्यूशन लिया Na2SO4, वही चीज़ है, कैथोड पर और एनोड पर कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी? डायरेक्ट क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन में देखो, अब सिंपल सा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले फोकस करो, इलेक्ट्रोड इनर्ट है ना, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे ये, तो मतलब उसका कुछ नहीं होना, इनर्ट है तो। अब सॉल्यूशन में कौन बचा? तो एक्वियस है, मतलब क्या, H2O, और साथ में कौन है? Na2SO4 ना। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, H2 होगा, तो क्या बनना है? H+N OH-। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो Na+N SO4 2-। अब कैथोड मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना, तो कैथोड पर कौन जाएगा नेगेटिव चार्ज में? याद करो वापिस, वही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो यही ना, तो कैथोड पर कौन जा सकता है और एनोड पर कौन जा सकता है? तो यहाँ पर जाने के लिए कौन फाइट करेगा? कैटायन ना, तो कैटायन कौन है? यहाँ पर दो है, तो बोलो कैटायन में H+ और Na+ किसका रिडक्शन इजी होगा? जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा होगी, तो किसकी SRP वैल्यू ज़्यादा है? H+ की। H+ इजीली रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर रिडक्शन होना है इसका, तो इसका रिडक्शन होगा H+ का, तो क्या बनता है? H2। तो कैथोड पर क्या फॉर्म होगा? H2। चलो एनोड पर, एनोड के लिए कौन फाइट करना है यहाँ पर? OH-N SO4 2-। तो यहाँ पर दो स्पीसीज है, एक नेगेटिव आयन है और एक दूसरा भी कैटायन SO4 2-। तो दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा? तो जिसकी SRP वैल्यू क्या होगी? कम होगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो किसकी SRP वैल्यू कम है? यहाँ पर OH- की SRP वैल्यू SO4 2- की कंपेयर में कम है, मतलब इसका क्या होना है? ऑक्सीडेशन होगा। ये क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो OH- का जब ऑक्सीडेशन होगा, समझना, या वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनता है? O2। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पानी का अगर तुम ऑक्सीडेशन करो तो क्या लिबरेट होगा? O2। और अगर वाटर का रिडक्शन होगा तो H2। तो चलो एनोड पर क्या डिपोजिटेड हुआ? O2। एंड कैथोड पर क्या डिपोजिटेड हो रहा है? H2। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना, अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 ले रहे हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। तो कौन सी प्रोडक्ट कैथोड पर डिपोजिटेड हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट एनोड पर डिपोजिटेड हो रही है? तो सबसे पहले तो यही चीज़ फोकस करो, इसको कैटायन एनायन में कन्वर्ट कर लो, ये भी जो है उसे भी कैटायन एनायन में कन्वर्ट करो। फिर नेगेटिव के लिए क्या करोगे तुम? दोनों कैटायन ले लो, दोनों की कॉम्पीट हो, दोनों कॉम्पीट करेंगे रिडक्शन के लिए, तो किसका रिडक्शन ईजी होगा? जिसके SRP वैल्यू ज़्यादा है, लाइक दिस। अब डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं, जब 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा ये। उसी तरह यहाँ पर कंडीशन में आ जाओ, OH- and SO4 2-, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसके SRP वैल्यू कम है, तो OH- की SRP वैल्यू कम है, OH- का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनना है? O2। तो आंसर क्या होगा? एनोड पर O2 डिपोजिटेड हो रहा है और कैथोड पर H2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट फोर नंबर की प्रोडक्ट देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 बिटवीन
इनर्ट इलेक्ट्रोड ना, बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड के बीच में ही लेना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनर्ट इलेक्ट्रोड है मतलब सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं वो, तो ये तो भूल ही जाओ तुम। अब एक्वियस सॉल्यूशन है मतलब क्या है, वाटर एंड CuSO4, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो H प्लस एन OH माइनस बनेगा ना, उसी तरह CuSO4 उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो Cu प्लस टू एन SO4 टू माइनस। चलो कैथोड पर कौन जाएगा, यहाँ पर अगेन वापिस कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या है कैथोड और ये है एनोड, तो कैथोड पर कौन डिपोजिटेड होगा, तो चलो यहाँ पर नेगेटिव के लिए कौन कॉम्पीट करेंगे, Cu प्लस टू और साथ में कौन है H प्लस, ये दोनों कॉम्पीट करेंगे ना किसके लिए, कैथोड पर लिबरेट होने के लिए और रिडक्शन होने के लिए, तो दोनों में से किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर फोकस कर, दोनों में से किसका रिडक्शन होगा जिसके SRP वैल्यू ज़्यादा, मैं रीज़न बता रहा हूँ, रीज़न के साथ आंसर लिखना है, तो इसके SRP वैल्यू ज़्यादा मतलब, और Cu प्लस टू का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा Cu, तो कैथोड पर क्या डिपोजिटेड हो रहा है कॉपर। चलो अब एनोड के लिए कौन फाइट करेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, दो एन आयन ना, मतलब OH माइनस एन OH माइनस और साथ में कौन है SO4 टू माइनस, तो ये दोनों में से कौन कॉम्पिटिशन जीतेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा दोनों में से, बोल नोमान, दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसकी SRP वैल्यू कम, जिसकी SRP वैल्यू कम उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, किसकी SRP वैल्यू कम है OH माइनस की, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनना है, OH माइनस का अगर पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बनेगा O2, तो क्लियर है आंसर, यहाँ पर O2 लिबरेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना क्या है, ओके इनर्ट इलेक्ट्रोड के बीच में कर रहे हैं अभी भी हम, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जांपल जो ले रहे हैं इससे अलग है, तो क्लियर है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड, कैथोड पर क्या डिपोजिटेड हो रहा है कॉपर, 1 मार्क्स डायरेक्ट है, नीट JEE में MCQ डायरेक्ट, और यही पैटर्न से MCQ सॉल्व करोगे तो। हाँ अगर स्कूल में मान लो 2-3 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है तो उस वक्त इसका रिडक्शन रिएक्शन लिख लेंगे और इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे साथ में, थ्योरी जैसा क्वेश्चन है ही नहीं, टेम्पलेट में है बढ़िया सा, ये आंसर इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हमें क्या लिखना है कैथोड पर रिडक्शन जो हो रहा है वो बताएंगे और एनोड पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना वो इंडिकेट करना है बस। चलो लास्ट एक और प्रोडक्ट देख लेते हम, फिफ्थ नंबर क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 है ना, लेकिन एक बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहा है, अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, पांचों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि हल्का सा ट्विस्ट इसमें आ रहा है थोड़ा, अब ध्यान रखना प्रोडक्ट डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड के नेचर पर, यस यहाँ पर इलेक्ट्रोड कौन सा लिया हमने, कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहा है, मान लो एक्वियस सॉल्यूशन है ये और ये इलेक्ट्रोड कौन से हैं कॉपर ना, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड है, ये एनोड और पॉजिटिव चार्ज, ये कैथोड नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या है प्योर कॉपर ही है, सॉल्यूशन कौन सा फिलअप किया है तुमने, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब H2N CuSO4, ये सॉल्यूशन है अंदर वही चीज़। चलो सबसे पहले कैथोड पर चलते हैं, कैथोड पर क्या क्या होगा, तो सॉल्यूशन में क्या क्या फिलअप किया हुआ है वो समझ लो पहले, तो H2O मतलब H प्लस OH माइनस ना, एंड CuSO4 मतलब Cu प्लस टू एन SO4 टू माइनस। चलो कैथोड पर कौन जाएगा, कॉम्पीट करेंगे दो कैटायन कैथोड पर जाने के लिए, कौन कौन से मतलब Cu प्लस टू और साथ में H प्लस, दोनों में से कौन इजीली रिड्यूस होगा जिसके SRP वैल्यू ज़्यादा, तो Cu प्लस की SRP वैल्यू ज़्यादा, तो क्या होगा कॉपर डिपोजिटेड हो रहा है कहाँ पर, कैथोड पर कॉपर डिपोजिटेड हो रहा है, ये तो हो गया सिंपल सा आंसर था। चलो अब ये वाली कंडीशन में आ जाओ, अब एनोड पर, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन ना, किसका ऑक्सीडेशन होगा वो समझना है हमें। अब तुम्हारे दिमाग में दो चीज़ें आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है मतलब नेगेटिव चार्ज वाले जाएंगे दो, ये है ना, एक तो OH माइनस उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है SO4
टू माइनस का ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक और अंदर है इलेक्ट्रोड्स उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, खुद कॉपर, खुद गब्बर जो है ना उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है अंदर, मतलब कॉपर का भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ध्यान रखना। ये जो इलेक्ट्रोड लिया है ना हमने, उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब यहाँ पर तीन लोग है, ये तीन के बीच में कॉम्पीट हो रही है, कॉम्पिटिशन किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी एस आर पी वैल्यू कम, तो तीनों में से एस आर पी वैल्यू किसकी कम, तो कॉपर की एस आर पी वैल्यू कम, कॉपर की एस आर पी वैल्यू कम है, मतलब कॉपर का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अब सी यू का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, सी यू किस में कन्वर्ट होगा, सी यू प्लस टू में, ऑक्सीडेशन ना, सी यू कन्वर्ट सी यू प्लस टू, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी यू प्लस टू में। इसका मतलब क्या हुआ, एनोड पर प्रोडक्ट बनेगी यहाँ पर, नो एनोड पर प्रोडक्ट नहीं बन रही, लेकिन धीरे धीरे ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, उसका वेट धीरे धीरे कम होगा ना, सॉल्यूशन में समझना क्या होगा, इसका वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट होगा, जैसे ही ये कॉपर है किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर सी यू प्लस टू में कन्वर्ट होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पांचों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यही है। और पॉइंट समझना क्या, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सी यू एस ओ फोर बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड, तो तुम्हें फोकस करना है कि यस इलेक्ट्रोड कौन सा है, वो इनर्ट है या एक्टिव है। तो यहाँ पर कॉपर एक्टिव मेटल में आएगी, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेगी रिएक्शन में, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड को साइड पर कर देंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई इलेक्ट्रोड लिया है जो मेटल है लाइक कॉपर, तो यहाँ पर वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर खुद गब्बर इन्वॉल्व होगा, सिंपल सा। क्या है यार,